Hello students. So in this video we are going to discuss about land resources, its importance. Okay, so what is the importance of land resources? So land is very necessary for what? Agricultural activities. Okay, we perform our economic activities on land. ठीक है, soil में हम क्या करते हैं? Agriculture करते हैं. और उसके अलावा कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं? फैक्ट्रीज भी तो लगाते हैं लैंड पे ही ना. ठीक है, तो ये सारा जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ लैंड पे ही, हम रोड भी बनाते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम क्या करते हैं? लैंड पर करते हैं. तो लैंड होना जो है वो हमारे लिए आवश्यक है. लैंड पर ही हम अपना घर भी बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद लैंड क्या करता है? नेचुरल वेजिटेशन होता है इस पर, है ना, मतलब फॉरेस्ट. ठीक है, फॉरेस्ट में जो है वाइल्ड लाइफ रहते हैं, है ना, टाइगर, एलिफेंट्स, ठीक है, एट्सेट्रा. ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट करता है. ठीक है, फ्रूट्स, नट्स, ये सब हमें मिलते हैं फॉरेस्ट से. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करता है फॉरेस्ट से. हमें क्या मिलता है? वुड मिलता है. ठीक है, लकड़ी मिलती है. लकड़ी से काफ़ी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फर्नीचर बनाना, ये वो. ठीक है, ट्रांसपोर्ट हम करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारा क्या है? लैंड सपोर्ट करता है. तो ये इसका इंपॉर्टेंस है बच्चों. ठीक है, बात आती है कि प्रॉब्लम क्या है लैंड रिसोर्सेज के साथ. तो प्रॉब्लम ये है कि लैंड रिसोर्स भी फाइनाइट है ना. जितना लैंड हमें अवेलेबल है उतना ही है. अब ऐसा नहीं है कि उसको, है ना, रबड़ की तरह वो इलास्टिक नहीं है कि ऐसे थोड़ा सा खींच दे, है ना, तो लैंड रिसोर्स हमारे पास बढ़ जाएगा, है ना. जैसे कि आपका घर है. ठीक है, तो घर जो है आपने, है ना, लैंड के एक टुकड़े पे बना रखा है ना. लैंड का एक प्लॉट होगा. तो सपोज करिए कि कभी आपके मन में आए कि मुझे अपना घर बड़ा करना है, तो ऐसा तो है नहीं, है ना, कि लैंड के उस टुकड़े को जो है ऐसे पकड़ के आप खींच दो तो थोड़ा जो है लैंड बढ़ जाएगा. ठीक है, तो लैंड क्या है बच्चों? फाइनाइट. पूरे वर्ल्ड में जितना लैंड अवेलेबल है उतना ही अवेलेबल है, वो कम जरूर हो रहा है. ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ओशन के किनारे, है ना, जो कोस्टल एरिया है हमारा, वहाँ पे लैंड धीरे धीरे ओशन के नीचे जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. क्योंकि उससे क्या हो रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं. ग्लेशियर की वजह से सी लेवल में थोड़ा सा जो है वो वृद्धि हो रही है. सी लेवल राइज हो रहा है, तो कोस्टल एरिया में जो लैंड है वो सी के नीचे डूब रहा है. तो लैंड रिसोर्स जितना है वो तो फाइनाइट है ही, उसके अलावे वो धीरे धीरे घट ही रहा है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते. तो ये एक प्रॉब्लम है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों? ठीक है, सॉल्यूशन ये है कि जो लैंड अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, उसको हम काफ़ी केयरफुल यूज़ करें, है ना. ठीक है, वी शुड यूज़ द लैंड वेरी केयरफुली. उसको प्लान करके यूज़ करना चाहिए कि किस पर्पज़ के लिए करें, ताकि जो लैंड है वो कहीं वेस्ट ना हो. ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है. जो हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात की थी ना पिछले वीडियो में, वो यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि लैंड भी क्या है? रिसोर्स. तो हमें लैंड को भी जो है सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, और बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए, ताकि लैंड भी का भी कुछ वेस्टेज ना हो. ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या स्टॉक है हमारा लैंड रिसोर्स का इंडिया में. ठीक है, तो इंडिया इज़ वेरी ब्लेस्ड विद द डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फीचर्स. क्योंकि हमारे यहाँ जो है लैंड पे प्लेन भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेटोज भी हैं. ठीक है, तो प्लेन पे बेसिकली हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं. माउंटेन्स स्पेशली टूरिज्म के लिए फेमस होता है. ठीक है, सीनिक ब्यूटी जो है इधर ज़्यादा होती है. ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत सारे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारे हैं, एंड सोर्सेस ऑफ पेरेनियल फ्लो ऑफ फ्यू रिवर्स, है ना. क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा ना, पेरेनियल रिवर्स, जिसमें कि पानी सालों भर बहती रहती है. ठीक है, तो ये इसमें माउंटेन्स में क्या है, जैसे हिमालय माउंटेन है हमारे यहाँ. ठीक है, उसमें क्या है? स्नो होते हैं. ठीक है, ग्लेशियर्स हैं, तो वो गर्मियों में क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, और वो धीरे धीरे क्या, वो पानी कहाँ से कहाँ पर चला जाता है? जो रिवर्स वहाँ से निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, इंडस, सतलज, ठीक है, इन सब में वो पानी आता है मेल्ट होकर. तो इससे क्या होता है, इन रिवर्स में सालों भर, ठीक है, 12 मंथ्स पानी हमेशा फ्लो बना रहता है, वाटर फ्लो. ठीक है, प्लेटो एरियाज क्या है? प्लेटो इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स, है ना, फॉरेस्ट, इन सब में जो है ये रिच है प्लेटो एरिया. तो तीनों एरिया के देखिए अपने अपने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. यहाँ पर जो है एक डेटा है कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा है. तो ये ब्लू जो है प्लेन का है, 43% जो है टोटल एरिया का, लैंड एरिया का, वो क्या है? प्लेन है बच्चों. ठीक है, उसके बाद 30% जो है वो हमारा क्या है? माउंटेन है.
ठीक है। उसके बाद ये जो थोड़ा ठीक है येलोइस है थोड़ा बहुत ही लाइट, ठीक है, ये क्या है प्लेटोज, ठीक है 27%। तो सबसे ज़्यादा कौन है प्लेन, दूसरे नंबर पे कौन है माउंटेन 30%, और तीसरे पे है प्लेटोज 27%। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट इसमें इस वीडियो में यहीं तक रहने दो। नेक्स्ट में जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो लैंड यूटिलाइजेशन, कि लैंड का हम किस किस पर्पस के लिए यूटिलाइज हम कर रहे हैं, ठीक है, किस किस यूज के लिए हम लैंड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, कितने प्रकार के एक्टिविटीज हैं जो लैंड रिसोर्स को प्रभावित करते हैं और किस तरह से करते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है बच्चों।